मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है फिर से इस वर्कशीट पे, इस चैनल पे। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 की आपकी साइंस की वर्कशीट। आप सब जानते ही हैं कि हर वेंसडे को आपकी विज्ञान की वर्कशीट आती है। तो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। और बच्चों, स्टार्ट करने से पहले आपको बता देते हैं कि आपने अभी तक वर्कशीट्स में जो ऑडोमीटर है, स्पीडोमीटर है, इन सब के बारे में पढ़ा था। आपने टाइम व ग्राफ चैप्टर, दूरी एवं समय जो चैप्टर था वो कवर किया था। लेकिन आज से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। उसके कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में डिस्कस करेंगे। और बच्चों, वर्कशीट के डायरेक्टली आंसर्स मत देखिएगा, पहले आप आराम से उसको समझिए। अलग अलग चीज़ें आपको समझाने की कोशिश की गई है, तो उसको समझिए और फिर आंसर्स करिए। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर विद्युत परिपथ के घटक। विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी के जो कॉम्पोनेंट्स हैं डिफरेंट, उनके बारे में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इसमें बताया गया कि जो स्नेहा है वो रवि की बहन है, वो अपने घर पे क्या कर रही थी, एक इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ कर रही थी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट जो उसने ड्रॉ किया वो बहुत कॉम्प्लेक्स था। इलेक्ट्रिक सर्किट आप लोग जैसे कि जानते हैं कि उसमें आपको तार चाहिए, एक स्विच चाहिए जो कि ऑन ऑफ करेगा, बैटरी चाहिए, है ना बच्चों। तो फिर लेकिन उसका डायग्राम बनाना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो इसीलिए हम कुछ विद्युत कंपोनेंट्स के प्रतीक का यूज़ करेंगे। डिफरेंट एलिमेंट्स का जो उनका रिप्रेजेंटेशन है डायग्रामेटिक, उनको हम समझेंगे और फिर एक विद्युत परिपथ बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले आपको है विद्युत सेल। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पीले कलर का सेल है, उसका प्रतीक क्या है, हमें दो डंडी बनानी है, एक बड़ी एक छोटी। उसका मतलब क्या है, एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव। फिर दूसरा आपको दिखाया गया है बल्ब। बल्ब आप सब जानते हैं इस तरह से है, या आप प्रतीक देखेंगे तो बल्ब समझ आ जाएगा। तीसरा है ऑन ऑफ स्विच। स्विच किस लिए, जैसे कि आप लोग घर में भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, तो स्विच ऑन करते हैं तो लाइट जलती है, स्विच ऑफ करते हैं तो लाइट बंद हो जाती है। तो उसी तरीके से ये विद्युत के में भी स्विच यूज़ होता है। और यहाँ पे हमने उसके लिए क्या यूज़ किया है, सेफ्टी पिन। अगर वो सेफ्टी पिन पूरे कनेक्शन को कंप्लीट कर रही है, क्योंकि सेफ्टी पिन भी क्या हो गई, वो क्या हो गया कि सुचालक कंडक्टर है। अगर उस कंडक्टर की जगह आप कुछ कुचालक लगा देंगे तो वो जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा, जो सर्किट आपका कंप्लीट नहीं होगा। उसके बाद ये दिखाया गया जो स्विच ऑन होगा तो आपका एक जो एरो ऊपर हो जाएगा, क्योंकि वो सर्किट को कंप्लीट नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद है बैटरी। तो बच्चों, बैटरी और सेल में क्या डिफरेंस है, जो अगर आप दो या दो से अधिक सेल को जोड़ेंगे तो वो क्या बनाएगा, बैटरी। तो उसका जो प्रतीक है, सिंबल है, वो भी इसी तरीके से है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक दो तीन, इन्होंने तीन ऐसे, एक देख रहे होंगे ब्लैक मोटे से बनाया हुआ है और एक पतला ब्लैक है। तो इसमें क्या है, दो अलग अलग लाइन्स को मोटा पतला करके बताया गया, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल, मीन्स दो अलग अलग सेल्स को जोड़ के एक बैटरी बनाई गई है। तो बच्चों, आप इन सब का यूज़ करके इस तरीके से एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना सकते हैं, विद्युत परिपथ बना सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको बैटरी सेल यूज़ किया है, एक की यूज़ की है और तार यूज़ की है और बल्ब यूज़ किया है। इन सब का यूज़ करके क्या बनाएं, पूरा कंप्लीट सर्किट डायग्राम। तो अगर हम डिफाइन करें एक विद्युत परिपथ क्या है, तो ये क्या है, एक विद्युत परिपथ चालक और अन्य विद्युत तत्वों से बना एक बंद लूप है जिसके माध्यम से विद्युत प्रवाह हो सकता है। उदाहरण के लिए एक बहुत ही विद्युत परिपथ में क्या क्या होता है, अलग अलग कंपोनेंट्स क्या होते हैं उसके, बैटरी, बल्ब और एक विद्युत तार जिससे कि आपका विद्युत आस पार होगा। बच्चों, आज की वर्कशीट इतनी थी, अब है इसके अभ्यास के प्रश्न। तो चलिए अभ्यास के प्रश्न डिस्कस करते हैं। पहला है, सेल, बल्ब और बैटरी का प्रतीक अपने नोटबुक में बनाएं। तो बच्चों, ये रहे इसके प्रतीक। पहला है सेल, दूसरा है बल्ब, तीसरा है बैटरी। ये आपको सर्कल करके मार्क दे गए हैं, जो भी चीज़ें सर्कल हैं आपको वो चीज़ बनानी है। तो दूसरा क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, उसे लिखना है। विद्युत परिपथ की देखिए बच्चों, साइड में डेफिनेशन मार्क है। पूरा जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपको लिखना है कि विद्युत परिपथ क्या है, चालक और अन्य विद्युत तत्वों से मिलकर बना होता है, ये बंद लूप होता है। बच्चों ध्यान रखिएगा, सर्किट कहीं से भी ओपन होगा तो जो बिजली है वो कंडक्ट नहीं होगी और फिर आपका जो पथ है वो नहीं चलेगा, जो सेल है वो, जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। ऐसा क्वेश्चन है बच्चों, एक विद्युत परिपथ बनाएं जिसमें एक विद्युत सेल हो और दो बल्ब हों, संयोजित तार स्विच ऑन का स्थिति होनी में होना चाहिए। बच्चों, यहाँ पे जो विद्युत परिपथ दिया गया है बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें एक सेल है, एक
बल्ब है लेकिन हमें क्या बनाना है, दो बल्ब। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। बच्चों आप इस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे हमने दो सेल यूज की, दो बल्ब यूज किए हैं, एक स्विच यूज किया है जो कि ऑन है, एक बैटरी और तार यूज करके पूरा विद्युत परिपथ बनाया है जो कि बंद है, पूरा एक लूप बनाया है। अगर मैं यहाँ से स्विच ऑन कर दूँ तो मतलब अगर यहाँ से मैं स्विच ऑफ कर दूँ तो जो विद्युत परिपथ है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। चलिए इंग्लिश में आंसर देखते हैं इसके। हाँ जी बच्चों देखिए, आपको पहले में तीन सिंबल्स बनाने हैं, इलेक्ट्रिक सेल, बल्ब एंड बैटरी के। तो ये आपको सर्कल में मार्क्ड है, वो आपको बनाने हैं कॉपी में। दूसरा है, यू हैव टू डिफाइन व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट। सो बच्चों, एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज एन क्लोज्ड लूप मेड ऑफ कंडक्टर्स एंड अदर इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट पास्ड। थर्ड है, ड्रॉ एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंटेनिंग एन इलेक्ट्रिक सेल, टू इलेक्ट्रिक बल्ब्स, वायर एंड अ स्विच इज ऑन पोजिशन। तो बच्चों जैसे कि आपको हिंदी मीडियम की वर्कशीट में वो डायग्राम दिखा गया था, वैसे ही आपको डायग्राम बनाना है। आप लोग स्केल पेंसिल का यूज़ करके वो डायग्राम बनाएंगे ताकि वो बहुत एक्यूरेट एंड साफ, नीट एंड क्लीन हो। तो बच्चों ये थी हमारी आज की साइंस की वर्कशीट। आशा करते हैं कि आपको इस वर्कशीट से कुछ सीखने के लिए मिला होगा। और बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि आपको सारी वर्कशीट्स टाइम पर मिलती रहे। और बच्चों ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।